हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल। आई एम प्रतिभा पंडागे, नर्सिंग ऑफिसर। सो गाइस, अभी रिसेंटली हमारा एमपी पीएनएसटी बीएससी नर्सिंग का जो रिजल्ट आया है, उसी के रिगार्डिंग आप लोगों ने चैनल पे बहुत सारे कमेंट्स किए हैं कि हमारी रैंक इतनी है, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, जिसमें आपकी एक यूआर रैंक है, देन आपकी जो सेकेंड रैंक है वो आपकी कैटेगरी वाइज रैंक है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके यही सभी डाउट क्लियर करने वाली हूँ कि आपके कितने नंबर होना चाहिए और आपकी कितनी रैंक होना चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा, जो कि एक मैक्सिमम आंकड़ा लगा सकते हैं कि हाँ, अगर आपके इतने नंबर है तो आपको कॉलेज मिल सकता है या आपकी इतनी रैंक है तो आपको कॉलेज मिल जाएंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम कट ऑफ का डाउट क्लियर करेंगे कि आपके कितने नंबर आए हैं जो कि आपको कॉलेज मिल सकता है कैटेगरी वाइज। ओके, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे आने वाले जो भी न्यू अपडेट्स हैं आप तक पहले पहुंच जाए। सो गाइस, जैसा कि हमारे पास टोटल 5 कैटेगरी है, जिसमें कि अनरिजर्व, देन ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, हमारे पास 5 कैटेगरी है। इसके बाद हमारे पास जो अदर 3 चीज़ें होती है, जिसमें एक हैंडीकैप स्टूडेंट्स आते हैं, देन आपके आशा वर्कर्स है, जहाँ पर एक सैनिक कोटा होता है जिसके थ्रू आपको एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, सो हम पहले कैटेगरी वाइज डिस्कस कर लेते हैं कि आपके कितने मार्क्स होना चाहिए जो कि आप काउंसलिंग करवा सकते हो। तो जो अनरिजर्व वाले स्टूडेंट हैं, हमारे जो हाइएस्ट नंबर गए हैं वो 74 है, 0.6 है, जिससे कि रैंक इंक्रीज होती है। ठीक है, पॉइंट्स का बहुत बड़ा गेम है, जिससे कि आपके जो रैंक है उस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो जो हमारी फर्स्ट रैंक स्टूडेंट है, उनके 74.26 मार्क्स है, इसके अकॉर्डिंग उनकी रैंक है। ओके, सो गाइस, मेरे चैनल पे बहुत सारे कमेंट आए जिसमें आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे नंबर आए हैं, अच्छी रैंक भी है, कैटेगरी वाइज भी बहुत अच्छी रैंक है। कुछ बच्चों के नंबर जो है बहुत कम है और रैंक ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप लोगों के यही कमेंट है कि मेरा होगा या नहीं। सो हम वीडियो में एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें कि जो हमारी 5 कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आपके नंबर कितने होने चाहिए जो कि आप काउंसलिंग करवा सकते हो। सो गाइस, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो जनरल कैटेगरी में मैं आपको पूरा प्रीवियस वीडियोस में भी समझा चुकी हूँ कि जो जनरल कैटेगरी होती है उसमें जो अदर कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं वो भी काउंसलिंग करवा लेते हैं, जिनके बहुत अच्छे नंबर आते हैं। तो जो जनरल कैटेगरी वाले मेन स्टूडेंट जो जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग फाइट करना चाहते हैं, तो जो यूआर कैटेगरी से जो बच्चे होते हैं जो कि फाइट करना चाहते हैं कि हाँ, हमें यूआर कैटेगरी के ही है और इसी बेस पे हमें सीट चाहिए, उनके नंबर 65 एबो होने चाहिए ताकि वो काउंसलिंग करवा पाए और उनका कोई कॉलेज भी मिल जाए। ठीक है, अगर आपके 65 एबो नंबर है तो आपको कॉलेज मिलने के चांसेस है। इसके बाद ओबीसी कैटेगरी आती है, इसके जो स्टूडेंट होते हैं, इससे जो ओबीसी कैटेगरी वाले जो मेन ओबीसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपने काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए सीट्स रहती है, जिससे कि आप लोगों को कॉलेज मिलने में आसानी रहती है। सो अगर आप ओबीसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग काउंसलिंग करवा रहे हो तो आप लोगों के जो नंबर है वो आपके 60-65 होने चाहिए। ठीक है, 60 एबो होने चाहिए ताकि आप काउंसलिंग करवाओ, आपका नाम आए, देन आपका कॉलेज भी मिल पाए। ठीक है, अगर इससे कम नंबर है और आप काउंसलिंग करवा पा रहे हो तो आपको डेफिनेटली काउंसलिंग करवाना ही है। ऐसा नहीं कि नहीं, हमें नहीं मिल पाएगा, नहीं करवाना, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो हमारी एससी कैटेगरी आती है, इसमें आप लोगों के जो नंबर है वो 55-60 होने चाहिए, जिससे कि आप लोग अपनी काउंसलिंग करवा सकते हो। इसके बाद जो हमारी एसटी कैटेगरी है, उनके जो स्टूडेंट है उनके नंबर होने चाहिए 50-55, जो कि काउंसलिंग करवा सकते हैं, मतलब जो अभी काउंसलिंग होंगी, अभी इसका आया नहीं कि कितने बच्चे करवा सकते हैं, पर अगर आपके नंबर इस बीच है तो हाँ, आप काउंसलिंग करवा पाओगे। तो मैं ये एक्सपेक्टेड बता रही हूँ, एकदम क्लियर नहीं है, पर आप अगर इसके अराउंड हो, यानी आप 50 में अगर कह रहे हो, तो अगर आप 48 हो तो इन बच्चों का भी नाम आ सकता है काउंसलिंग में। ठीक है, ऐसा नहीं कि हाँ, आपके 48 है तो आप ये सोच लो कि नहीं, अब हमारा तो नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, सो ये एक्सपेक्टेड है। इसके बाद जो हमारी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, इसमें सीट्स कम हैं पर नंबर जो होते हैं इसमें कम आते हैं, मतलब कम नंबर वाले बच्चों का भी हो जाता है, पर बात ये होती है कि इसमें जो सीट्स होती है वो कम होती है। तो इसमें भी अगर आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपके अच्छे नंबर है तो आपको डेफिनेटली कॉलेज मिल जाएगा। सो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो आपके नंबर होने चाहिए वो भी 50-55 होने चाहिए, क्योंकि जो ईडब्ल्यूएस वाली कैटेगरी होती है उसमें स्टूडेंट भी ज़्यादा होते हैं और कम नंबर पे सिलेक्शन होता है, ये तो ठीक है, पर अगर आप लोगों के सीट्स उतनी अवेलेबल है तो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के सिर्फ कम ही नंबर आते हैं, वो एक क्राइटेरिया होता है कि हाँ, कम नंबर वालों का भी हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के कम नंबर आएंगे तो हो ही जाएगा, क्योंकि अगर ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट ज़्यादा ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके बहुत अच्छे नंबर आए हैं ज़्यादा स्टूडेंट के, तो वो सारी सीट ले लेंगे, इसलिए आपके अगर अच्छे नंबर है तो आप लोगों का सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। बाकी आप लोग जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनका कम नंबर पे होता है। ओके, तो अगर आप इन कैटेगरीज में आते हैं, आपके इतने नंबर है तो आप लोग काउंसलिंग ज़रूर करवाएं। अगर इससे थोड़ा 2-3 नंबर कम ज़्यादा होते हैं तो आप काउंसलिंग ज़रूर करवाएं।
इसके बाद जो हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए भी सीट्स रिजर्व होती है कि इतने बच्चे को लिया जाएगा, तो उसमें अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो उसमें आपको थोड़ी छूट मिल जाती है। जैसे ओबीसी वाला कोई बच्चा है और वो हैंडीकैप्ड है के थ्रू उन्होंने एग्जाम दिया है और फॉर्म फिल किया है, उसके अकॉर्डिंग उनका रिजल्ट आया है, तो उनको थोड़ा बेनिफिट मिलता है। अगर आप एक आशा वर्कर हो तो आपके पास एक्सपीरियंस होता है जिसका बेनिफिट आपको मिलता है, तो आप उसके थ्रू काउंसलिंग करवाएंगे तो आपको अगर आपके कम नंबर है तो भी आपका सिलेक्शन होगा। इसके बाद आपका जो सैनिक कोटा से होता है तो सैनिक कोटा से भरते हो तो आपको उसमें भी छूट मिलती है, पर आपके पास वो सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया है जिसके थ्रू आप काउंसलिंग करवा सकते हो और आपका सिलेक्शन भी होगा। तो सभी बच्चे काउंसलिंग जरूर करवाएं जिनके भी इतने नंबर है कि वो काउंसलिंग करवा सकते हैं। काउंसलिंग करवानी है देन आपको सारे कॉलेजेस काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग में रखने हैं, ऐसा नहीं है कि एक दो कॉलेज लेना है। ओके, इसके अलावा भी आपके अगर कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट करते रहिए, अब मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। आप अगर मुझसे पर्सनली अटैच होना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी मैं कुछ अपडेट्स आपको देते रहती हूँ। आप लोगों के बहुत सारे वहाँ पे भी मैसेज आते हैं PNST से रिलेटेड या आपको जो भी डाउट है, तो मैं वहाँ अगर रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ तो मैं वीडियो के थ्रू आपको ज़रूर रिप्लाई देती हूँ। तो जो भी बच्चे अगर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं और अगर मैं उनका रिप्लाई नहीं दे पाई हूँ, वीडियो ज़रूर देखें। देन हमारा एक और चैनल है टेलीग्राम चैनल, वहाँ भी आपको सारे अपडेट मिलते हैं तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ समझ आया होगा कि आप लोगों कितने नंबर वाले काउंसलिंग करवा सकते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को जरूर लाइक करना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि मेरे आने वाले जो भी न्यू अपडेट्स आप तक पहले पहुँचे।